में उपस्थित प्यारे छात्र एवं छात्राओं, सबसे पहले आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बच्चों, आज ही के दिन 26 जनवरी 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर के तैयार हुआ और आंशिक रूप से उसे लागू भी किया गया, किंतु पूर्ण रूप से इसे 26 जनवरी 1950 यानी कि 2 महीने के बाद इसे लागू किया गया और भारत एक संप्रभुता संपन्न रिपब्लिक कंट्री के रूप में विश्व के पटल पर उदीयमान हुआ। संविधान में बहुत सी बातें हैं, आप पॉलिटिकल साइंस के छात्र हो बेहतर जानते हो। हमारा मूल दायित्व, मूल अधिकार दोनों का वर्णन है, लेकिन हम अपने फंडामेंटल राइट्स की बात बच्चों ज्यादा करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज को उसको सेकेंड पे लाते हैं। मेरा मानना है दोनों को एक बराबर लाना चाहिए। ये अगर हमारा मौलिक अधिकार है तो मौलिक कर्तव्य भी है। जब दोनों का समन्वय एक समान होता है तो एक बहुत ही समृद्ध और एक समरसता संपन्न समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है। कहीं पर भी इसमें भेदभाव की गुंजाइश नहीं बचती है कि हमें हम क्या काम करना है, हम अपना काम समय से कर रहे हैं तो हमारे अधिकार भी हमें मिलने चाहिए। और आज 2022 में भारत विश्व के पटल पर एक बहुत ही हर क्षेत्र में देखेंगे, एक हो राजनैतिक हो सामाजिक हो हर दृष्टि में सामरिक हो हर दृष्टि में एक नंबर का राष्ट्र बन जाएगा। जिस गति से हम बहुत सकारात्मक ग्रोथ कर रहे हैं हर क्षेत्र में, कोई रोक नहीं सकता। बच्चों, मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि आप अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों को एक साथ लेके चलें। आपका कर्तव्य है महाविद्यालय में समय से आएं, अनुशासित रहें, क्लासेस करें, और आपका अधिकार है कि आपका क्लास चले, आपको अच्छी पढ़ाई लिखाई हो, सुविधाएं मिले और आप बेहतर और अच्छे नागरिक बनकर के देश और समाज की सेवा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः संविधान दिवस की बधाई देते हुए वाणी को विराम दे रहा हूँ।